बालाघाट जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र के गांव संतापुर में तीन मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम तीनों बच्चे खेलने के लिए तालाब के पास गए थे। तालाब के पास खेलते खेलते तीनों बच्चे उसमें डूब गए। रात को तीनों बच्चों का शव निकाल लिया गया और थाना प्रभारी उइके ने बताया कि तीनों बच्चों का शव रात में निकालने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया है। तालाब किनारे खेलते हुए तीन छोटे मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। शव ग्रामीणों की मदद से निकाला गया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतकों में दिवांत उम्र 5 वर्ष, प्रतिमा उम्र 6 वर्ष, अनुष्का उम्र 9 वर्ष की लघु तालाब में डूबने से मौत हो गई। सभी संतापुर ग्राम के निवासी है। मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से परिजन एवं ग्राम के लोगों में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है 21 जून लगभग 4 बजे उक्त बच्चे ग्राम के ही आंगनबाड़ी में गए हुए थे, जहां से दोपहर 3 बजे के बाद बच्चे गायब हो गए, जिनका ग्राम के ही लघु तालाब में शव तैरता हुआ पाया गया। बहरहाल पुलिस ने तीनों मासूमों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप। कल थाना मलाजखंड क्षेत्र में हमें शाम के 7 बजे करीबन सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 बच्चे तालाब में डूब के ग्राम संतापुर में उनकी डेथ हो गई है। घटना कुछ इस प्रकार है कि मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है संतापुर का, जिसने मीनाक्षी तालाब योजना के तहत अपने खेत में तालाब खुदवाया था। उस तालाब में ये बच्चे आंगनवाड़ी में खाना खाने के बाद घूमते हुए खेलने चले गए और उस तालाब में पानी की मात्रा होने से ये तीनों बच्चे खेलते खेलते उसमें गिर गए, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं और एक लड़का है। 5 साल, 6 साल और 9 साल के ये बच्ची हैं, जिनका नाम तनुष्का, वेदांत और प्रतिभा है। और इनके संबंध में हम लोगों ने जांच प्रारंभ कर दी है। शवों का PM करा दिया गया है। आगे